ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ WBJEE 2018 के क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ टेक्निक्स देंगे किस तरीके से अगर हम लोग एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो किस तरीके से हम लोग जुगाड़ लगा के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि हम आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सके और अपने नंबर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका WBJEE में स्कोर 40, 50, 60 इस रेंज में अटकता है, अगर आपका सपना है जादवपुर यूनिवर्सिटी, अगर आपको 100, 110, 120 इस रेंज में स्कोर करना है और कम टाइम बचे, आपको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से आप ये चीज कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज का फायदा उठा चुके हैं WBJEE में, JEE मेन में और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में। अगर आप चाहते हो WBJEE के अंदर में आप जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचो कम टाइम में, अगर आपने स्पेसिफिक WBJEE की प्रिपरेशन बहुत टाइम से नहीं करी है, मैं भी एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में, ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रिक्स लगा करके और थोड़ा बहुत नॉलेज लगा करके, थोड़ा बहुत टेक्निक्स लगा करके जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी सिक्योर किया था। 849 रैंक मैंने अपने टाइम पे जो है लाई थी। ठीक है, फिर मैं NIT त्रिची से पढ़ने गया था। अगर आप भी चाहते हो कि आप कम टाइम में चीज कर पाओ, तो आपके लिए एक्सक्लूसिव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज है। एक्सक्लूसिव कोर्स की जो प्राइस है वो 499 है। आप सिर्फ 5 घंटे में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, और एंड मोमेंट में भी अगर आप इस कोर्स को परचेस करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसमें जो चीजें आप सीखोगे वो आप बहुत ही जल्दी अप्लाई करना भी सीख सकते हो, विद डेमोंस्ट्रेशन सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। एंड टेस्ट सीरीज के अंदर में आपको 1000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 30% पेपर जो है सिमिलर आने वाला है। एंड वो जो PDF है आपको फ्री में मिल रही होगी, साथ में टेस्ट सीरीज आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे, एंड साथ में आपको एग्जाम के पहले एक वीडियो मेंटरिंग सेशन मिलेगा मेरे साथ में। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज अगर आपको फायदा उठाना है सारी चीजों का, तो आप कॉम्बो ऑफर ले सकते हो, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। पहला लिंक आपको मिलेगा कोर्स का, दूसरा लिंक आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज का। अगर आप दोनों लेते हो कॉम्बो ऑफर में, आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी एंड आपको 100 रुपीज डिस्काउंट भी मिलेगा। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, कोर्स ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक्सक्लूसिव कोर्स है, उसके अंदर में आपको 5 वीडियोस मिलती है, 5 घंटे का कोर्स है जिसमें आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी ट्रिक्स से रिलेटेड। दूसरा हमारे पास में मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर में आपको वीडियो मेंटरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज और फ्री में 1000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDF मिलेगी। और अगर आप दोनों लेते हो तो आपको कॉम्बो ऑफर में 100 रुपीज डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी लेट मत करो, अगर आप सीरियस हो WBJEE के लिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए, और अगर आपके पास में अच्छी प्रिपरेशन अभी नहीं हो रखी है, तो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है दोनों चीजें आपको एनरोल करने के। ठीक है, और अगर आप एनरोल करते हो इसमें तो आपको विद इन 1 आवर आपको कोर्स भी दे दी जाएगी, विद इन 1 आवर आपको ग्रुप में ऐड भी कर दिया जाएगा, एंड आप जिस दिन एडमिशन लोगे उस दिन से कुछ घंटे बाद से ही आपके टेस्ट सीरीज का आपको शेड्यूल मिल जाएगा एंड आपके टेस्ट वगैरह लेने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, देर ना करते हुए इस कोर्सेज का जरूर से फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है WBJEE 2018 के क्वेश्चंस। ठीक है, इसके पहले हम लोग 3 एपिसोड्स देख चुके हैं WBJEE 2018 के, फिजिक्स के हम लोग पेपर देख रहे हैं, उसके बाद केमिस्ट्री देखेंगे, मैथ्स देखेंगे, तो टोटल हम अभी तक जो है 12 क्वेश्चंस देख चुके थे, है ना। सारे के सारे सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस थे, 1 मार्कर वाले, जिसमें से हमारे 7 क्वेश्चंस मिनिमम सारे बच्चों के सही हो गए थे। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के, कमेंट्स में जाकर के, पिछले वीडियोस के जाकर के देख सकते हो, सारे बच्चे अपना अपना रिस्पांस डालते हैं कमेंट में, है ना, कि भैया इस क्वेश्चन का ए, इस क्वेश्चन का बी, फिर वो चेकिंग करके भी अपने जो है नंबर डालते हैं कि भाई 4 में से कितने सही हुए उस तरीके से। तो पिछले 3 वीडियो में 4-4 क्वेश्चन लिया गया था और उसमें मिनिमम तुक्का लगा करके सारे बच्चों के मिनिमम 7 सही हैं। ठीक है ना, और मैंने हिसाब से भी आपको समझाया था किस तरीके से हमारे मिनिमम 7 हो जाएंगे। अब यहां पर इस वीडियो में ना हम 2 मार्कर क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है 2 मार्कर क्वेश्चंस को भी करना। तो जो हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है ना, जो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स एंड चीट कोर्स का कोर्स है, जिसके बारे में आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है ना, उस एक्सक्लूसिव कोर्स में आपको डिस्क्रिप्शन में ना 3 लिंक्स दिखेंगे। जो पहला लिंक होगा वो हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स का होगा, जो दूसरा होगा वो टेस्ट सीरीज का होगा, और जो हमारा तीसरा होगा वो कॉम्बो का होगा। तीसरा होगा हमारा कॉम्बो का, दूसरा होगा हमारा टेस्ट सीरीज का, ठीक है, और फिर हमारा जो पहला होगा वो होगा कोर्स का। ठीक है, कौन से कोर्स का? ट्रिक्स के कोर्स का। ठीक है, ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज का एक्सक्लूसिव कोर्स है। इसके अंदर में ना एक पूरा का पूरा एपिसोड है जो 2 मार्कर क्वेश्चंस के लिए डेडिकेटेड है। 2 मार्कर क्वेश्चंस जो है, जिसमें मल्टी करेक्ट भी हमारे पास में इन्वॉल्व होता है, तो वो WBJEE के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज WBJEE में बहुत मेजर पोर्शन 2 मार्कर का आता है, जिसमें बच्चे गलतियां करते हैं। तो 2 मार्कर में किस तरीके से ट्रिक्स लगाना है, एक एक्सक्लूसिव टोटल 5 एपिसोड्स है उसके अंदर में, जिसमें एक एपिसोड पूरा का पूरा 2 मार्कर के ऊपर में डेडिकेटेड है। ठीक है ना, तो ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है कोर्स के अंदर की, जो आप लोगों को नहीं पता थी, जो मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी ट्रिक्स है,
2021 के लेटेस्ट पेपर के ट्रिक्स हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे उसके अंदर में ट्रिक्स के थ्योरी, ट्रिक्स के डेमोन्स्ट्रेशंस और ट्रिक्स के एप्लीकेशंस, मेरे सारे पर्सनल जो स्ट्रैटेजीज थे जिससे मैं 849 रैंक लाया था WBJM में, वो भी बहुत ही कम टाइम में, वो सारी चीज़ें कोर्स के अंदर में मिलेंगी। टेस्ट सीरीज के अंदर में ना जो 1000+ PDF है ना, 1000+ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का PDF, ये आपको साथ में मिलेगा फ्री। टेस्ट सीरीज तो मिलेगा ही सही, 5 फुल लेंथ आपको टेस्ट मिलेगा। आप अगर आज एडमिशन ले तो आपका टेस्ट कल से स्टार्ट हो जाएगा, कल एडमिशन ले तो परसों से स्टार्ट हो जाएगा, एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर आप एडमिशन लेते हो तो भी आपका एक दो घंटे के अंदर ही टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपके पास में जितनी भी टाइम अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से आपको शेड्यूल मिल जाएगा, एंड टेस्ट सीरीज की आपकी जो है चेकिंग वगैरह सारी चीज़ें होकर के हमारी टीम आपको प्रोवाइड कराएगी। साथ में 1000+ क्वेश्चंस जो है आपके लिए सिलेक्ट करे गए हैं खोज करके WBJPYQ से और भी अच्छे अच्छे जगह से, जहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 30% पेपर आपका सिमिलर आएगा, ठीक है ना। तो बहुत रिसर्च से PDF बनी है जो आपको मिल जाएगी विद सॉल्यूशंस आपके पास में, सिर्फ आप ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस को भी लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस करके जा सकते हो। और कॉम्बो ऑफर आप लोगों के लिए ₹100 में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो जिन भी लोगों को चाहिए होता है यार डिस्काउंट, तो आप लोगों के लिए कॉम्बो में ₹100 का ऑफ है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको व्हाट्सअप लिंक भी मिल जाएगा, आप जाकर के हमारे टीम को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप पे, एंड उनसे कम्युनिकेट करके भी आप कोर्स को ले सकते हो। बट ज्यादा देर मत करना क्योंकि एग्जाम अब काफी ज्यादा क्लोज आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा 2 मार्कर क्वेश्चन है, लेकिन सिंगल करेक्ट है। ये जो क्वेश्चन है ना ये है सिंगल करेक्ट, सिंगल करेक्ट मतलब समझते हो 4 में से 1 ही करेक्ट है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है, लेकिन +2 -1/2 के कैटेगरी का है, ठीक है। तो WBJM में सिंगल करेक्ट के 2 कैटेगरी होते हैं, एक तो हमारा बेसिक जो +1 -1/4, दूसरा होता है हमारा +2 -1/2, और फिर तीसरा होता है हमारा मल्टी करेक्ट। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये सारे मल्टी करेक्ट है। अब मल्टी करेक्ट में खास बात ये ना, WBJ के अंदर पार्शियल मार्किंग होती है। क्या होती है? पार्शियल मार्किंग, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, पार्शियल मार्किंग होती है। मतलब कि मान लो हमारे पास में 3 ऑप्शन करेक्ट है, उसमें से आपने कोई एक मार दिया, तो 1/3 ऑफ टोटल मार्क्स 2 होता है, तो 1/3 ऑफ टोटल मार्क्स आपको मिल जाएगा। मान लो 2 ही करेक्ट आंसर है, 2 में से आपने एक मार्क कर दिया, तो 1/2 ऑफ टोटल मार्क्स आपको मिल जाएगा। मान लो चारों के चारों ही सही है, आपने कोई 3 मार्क किया, तो 3/4 ऑफ टोटल मार्क्स आपको मिल जाएगा। मतलब कि जितने करेक्ट हैं उस क्वेश्चन के, जितने भी करेक्ट आंसर है, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मल्टी करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो जितने भी करेक्ट है उसमें से आपने जितने करेक्ट मार्क किए हैं उस रेशियो में आपको टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होकर के मिल जाएगा, इसको कहते हैं पार्शियल मार्किंग। ये मार्किंग पैटर्न होता है, अगर आपको नहीं पता तो जान लो, सीख लो। मान लो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स है 2, आपने दोनों मार्क कर दिए, तो 2 out of 2 into 2 तो हो गया ना आपका, पूरे 2 नंबर आपको मिल गए। अगर आपने 2 में से 1 मार्क किया तो 1 out of 2 into 2 है ना, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। अगर आपने 1 out of 3 मार्क किया तो 1 out of 3 into 2 आपको 2/3 नंबर मिल जाएगा। तो जितने भी करेक्ट आप मार्क करोगे उस फ्रैक्शन में आपको मिल जाएगा। कोई भी इनकरेक्ट ऑप्शन अगर आप मार्क करते हो, मतलब कि आपने मान लो करेक्ट मार्क किया लेकिन साथ में इनकरेक्ट भी कोई मार्क कर दिया, तो आपको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो हमको यहाँ पर क्या है, मेक श्योर करना है कि हम इनकरेक्ट मार्क ना करें। अगर आपको आता है सॉल्व करना तो आप तो सॉल्व कर ही लोगे, लेकिन नहीं आता है सॉल्व करना तो थोड़े बहुत नंबर लेकर के निकल जाओ। क्या कह रहा हूँ मैं, थोड़े बहुत नंबर लेकर के निकल जाओ, ज़्यादा ईगो में मतलब ज़्यादा वो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ। उससे क्या होगा, आप इनकरेक्ट मार्क करोगे और मिलेगा क्या, बाबा जी का ठुल्लू। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, चालाकी से कुछ ऐसा मार्क करेंगे जहां से हमको नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी समझ में आए। तो चलो सबसे पहले हम इस सिंगल करेक्ट को निपटा लेते हैं। तो जब भी मैं आपको बताऊं, कभी भी ऐसा आपको ऑप्शंस दिखेंगे ना 3/2, 5/2 इस टाइप का, तो आपके 10 में से 8 बार ना इन्हीं में से आंसर होते हैं। तो ये जो सिंपल वाले है ना इसको काट दिया करो, है ना, इस सिंपल वाले को काट दिया करो। कभी भी ऐसा हो ना पावर में 3/2, 5/2, अक्सर फिजिक्स के अंदर में ऐसा देखा गया है कि इन्हीं में से जो है कुछ आंसर होता है, ठीक है। तो ये सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जैसे हम +1 -1/4 के पैटर्न में तुक्का लगाते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करके तुक्का लगा रहे हैं। बेसिक सी साइकोलॉजी है कि यार जब भी ऐसा 3/2, 5/2 ऐसा अगर आपको दिया रहे तो समझ जाना उसमें से आंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये सिंपल वाले नहीं होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन रिसर्च, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। अगर आप चाहो तो अग्री करो, नहीं चाहो तो मत अग्री कर सकते हो। अब आ जाओ यहाँ पर, अब अगला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ये मल्टीपल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको मान लो ये आंसर नहीं आता, वैसे तो देखो बड़ा इजी है, यहाँ पर आप देखोगे ना 200, 100, तो ये आपका 150 आ जाएगा, ठीक है, 150 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 150 आ जाएगा तो आपका ये बन जाएगा, आपका बैलेंस्ड बन जाएगा, वो मतलब 200/100, 300/150 आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन बन जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर है आई गेस, तो यहाँ से कोई करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं आप देख लेना, ठीक है। मतलब ये बेसिकली वही है, आफ्टर द की इज क्लोज्ड
करंट थ्रू द 200 इज सेम एज करंट तो 302, 200 से जितना होगा 300 से भी उतना ही होगा, यहाँ से कुछ भी पास नहीं होगा, ठीक है, बेसिक सी बात है, ठीक है ना। तो वो बेसिक जो होता है ना व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड वाला, तो वही वाला ये केस है। खैर अभी हम लोग उसमें नहीं जा रहे, अभी हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं कि मान लो आपको नहीं आता है, आपको नहीं पता कि भैया करंट यहाँ से यहाँ पे पोटेंशियल, बेसिकली यहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहता है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, और उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है, हम करचॉफ्स लॉ वगैरह लगा करके हम प्रूव भी कर सकते हैं यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल जो है वो सेम ही आता है, ठीक है। सो उस वजह से फिर वहाँ से कंडीशन आती है कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, ठीक है, तो वो चीज़ होता है। बट अगेन अगर मान लो किसी बच्चे ने थ्योरी नहीं पढ़ी है, किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, आपको मैं सबसे सेफेस्ट चीज़ बताता हूँ, जो भी सबसे लंबा ऑप्शन है ना सिर्फ उसको मार्क कर दो। तो यहाँ पे सबसे लंबा ऑप्शन सी है, सिर्फ सी को मार्क कर दो, ज़्यादा चुल मत मचाओ, छोड़ दो, सिर्फ सी को मार्क कर दो, मज़ा आ जाएगा देखना। फिर यहाँ पे सबसे लंबा ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे लंबा ऑप्शन कौन सा है, सी है ना, सी को मार्क कर दो। आप देखो तीन ऑप्शन छोटे छोटे हैं, ये लाइन एक, ये लाइन एक, ये लाइन एक, सी लाइन देखो कितना लंबा है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखे थे एक लाइन छोटा, एक लाइन छोटा, डी ऑप्शन कितना छोटा, लेकिन सी ऑप्शन कितना लंबा है, ठीक है। उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन में अगर देखोगे ना तो पहला लाइन छोटा, दूसरा लाइन छोटा, तीसरा लाइन छोटा, लेकिन ऑप्शन डी देखो कितना लंबा है, ठीक है। तो जो भी लंबे ऑप्शन रहते हैं ना चुपचाप से उसको मार्क कर दो और कुछ मत करो, ठीक है। तो इसमें हमने सी मार्क कर दिया, ठीक है, इसमें हमने फिर से सी मार्क कर दिया और इसमें हमने डी मार्क कर दिया, बस इतना सा कर दो, ठीक है। आपको पार्शियल में नंबर मिल जाएंगे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, ठीक है। क्यों बताता हूँ मैं, देखो लंबा ऑप्शन ना आंसर होता है, क्यों, क्योंकि यार जब टीचर बनाता है ना क्वेश्चन तो वो हर इंसान ना इंडिया के अंदर में थोड़ा सा आलस सबके अंदर में रहता है, हम लातों के भूत है बातों से नहीं मानते। तो अब लातों के भूत है बातों से यहाँ पर नहीं माने, जब टीचर ने देखा कि भैया यही आंसर है तो वो इस ऑप्शन को ना हटा नहीं पाया, क्योंकि उसको पता था ये आंसर करेक्ट है, वो इसको तो हटा ही नहीं सकता। तो कभी भी टीचर लंबा ऑप्शन दे रहा है ना तो समझो वो उसकी मजबूरी थी, वो उसकी मजबूरी थी, ठीक है। यहाँ पर भी लंबा ऑप्शन दिया ना वो उसकी मजबूरी थी कि वो उसको हटा नहीं सकता, क्योंकि अगर ये आंसर नहीं होता ना तो वो छोटा सा कोई भी ऑप्शन दे के सलटा सकता था, लेकिन वो नहीं सलटा सकता क्योंकि आंसर ही ये लंबा वाला है, तो वो इसको नहीं हटा सकता। तो 10 में से 8 बार अगर लंबा ऑप्शन दिया है तो समझ जाओ वो आंसर जरूर होगा। तो आप यहां पे पार्शियल के अंदर में बहुत अच्छे नंबर उठा सकते हो, मैं इनफैक्ट अभी आपको ना कैलकुलेट करके भी दिखाता हूं, ठीक है। ये हमारे पास में बुक है, ठीक है, तो इसमें आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आंसर्स वगैरह जो है हमारे पास में, अभी आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 जो सिंगल करेक्ट वाला था, तो 31 को चेक कर लेते हैं, फिजिक्स के अंदर में 31 आंसर इज डी, ठीक है, फिजिक्स का 31 का आंसर डी है, ये 8^5/2 जो था ना ये हमारे पास में आंसर है, ठीक है। तो इसका तो आंसर हमारे पास में क्या हो गया, 5/2 हो गया, ये हमारे पास में कौन सा हो गया, ये करेक्ट आंसर हमारे पास में हो गया 5/2। तो हमने इन दो को एलिमिनेट करके इन दो में तुक्का लगाया था। अब आप बाकी में देखना, ध्यान से समझना, ठीक है, बाकी में देखना, इसका हमने क्या मार्क किया, सी मार्क किया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 36। अब 36 का आंसर देखना क्या है, 36 का अगर आप आंसर देखोगे ना फिजिक्स के अंदर में तो आंसर है BCD, क्या है आंसर, BCD, मतलब हमारे कितने सही हो गए, 1/3 है ना, 1/3 ऑफ 2 हो गए सही, है ना, हमने 3 में से 1 सही मार दिया। तो जो लंबा ऑप्शन था ना वो इंक्लूड होता ही है, 10 में से 8 बार वो इंक्लूड होता ही है, ठीक है। आओ फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं, इस वाले का देख लेते हैं, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का भी आंसर देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37 का अगर आंसर देखें हम लोग तो आंसर इज AC, ठीक है, 37 का आंसर है AC। तो हमने क्या मार्क किया, सी मार्क किया, तो हमने 2 में से 1 करेक्ट कर लिया, येस और नो, तो 2 में से 1 करेक्ट कर लिया तो हमको कितना मिला, 1/2 ऑफ 2, है ना, मतलब कि एक नंबर हमको यहाँ पर जो है मिल गया। यहाँ पे हमको कितना मिला, यहाँ पे 2/3 नंबर मिला, 2/3 मतलब कितना होता है आप समझ रहे हो, 2/3 मतलब 0.66 मान लो अप्रॉक्सीमेटली, है ना, 0.66 मान लो अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ से हमको एक नंबर जो है मिल गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 38 का भी हमारे पास में क्या आंसर है, यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से। तो 38 का आंसर दिया हुआ है AD दिया हुआ है, हमने क्या मार्क किया, हमने मार्क किया डी, तो हमने 2 करेक्ट में से 1 करेक्ट मार्क किया, तो हमारे को यहाँ पर भी क्या मिल गए, एक नंबर मिल जाएंगे, 1/2 ऑफ 1, है ना, 1/2 ऑफ 2, है ना, जैसे यहाँ पे किया था टोटल नंबर 2 मार्क्स और 2 में से 1 सही किया उस रेशियो में मिल जाएगा, तो यहाँ से भी हमको आ गए एक नंबर, ठीक है ना, क्लियर हुआ आपको। अब हम लोग नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, हमने कितने नंबर फोकट के उठा लिए,
हमको नहीं आता था सॉल्व करना, फिर भी हमने सिर्फ लंबे ऑप्शंस मार्क करके फोकट में कुछ नंबर्स उठा लिए ना, यहाँ पे एक नंबर उठाया है ना, यहाँ पे एक नंबर उठाया, क्योंकि इसका आंसर जो था दो आंसर थे उसमें से एक हमने मार्क कर दिया, यहाँ पे भी दो आंसर्स थे उसमें से एक हमने मार्क कर दिया, तो टोटल 2 मार्क्स थे, दोनों करते तो 2 मार्क्स मिलता, लेकिन बिकॉज हमने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा एंड वी डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ लंबा ऑप्शन मार्क करके निकल जाएंगे, तो लंबा ऑप्शन मार्क करके निकलने से क्या हुआ, हमको फोकट के एक और एक नंबर मिल गए, है ना। अगर आप ज़्यादा चुल मचाओगे तो आपकी गलती हो जाएगी, कि अगेन आप क्वेश्चन है सॉल्व करना है, आपको फिजिक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आप चाहो तो कर सकते हो, क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आप जब नहीं हो रहा तो हार थोड़ी मान के आएंगे, कुछ कुछ नंबर तो उठाएंगे ना यार, तो ये तरीका है नंबर उठाने का, एक और एक दो नंबर यहाँ से उठा लिया, ठीक है, 0.66 यहाँ से उठा लिया, 2/3 तो 2.66 नंबर यहाँ से उठा लिया, ये सही होगा तो 2 नंबर मिल जाएंगे, नहीं सही होगा तो -1/2 आपके हो जाएंगे, तो ऑन एन एवरेज मतलब लगभग लगभग मैं अगर बताऊँ तो यहाँ से आप 2 नंबर तो उठा सकते थे, ठीक है, मतलब आप अगर देखो तो यहाँ से आप मिनिमम 2 नंबर उठा सकते हो, एक यहाँ से उठाया, एक यहाँ से उठाया, 2 नंबर हो गया, फिर यहाँ से 0.66 आया, ठीक है, और यहाँ से सपोज कर लो गलती हो गई तो 0.5 कट जाएगा, तो ये दोनों आपस में कंपेंसेट हो जाएंगे वर्स्ट केस में, वो भी नहीं होंगे क्योंकि ये 0.66 इज बिगर देन -1/2, राइट, तो वो भी कुछ पॉजिटिव है, तो मैं एक एवरेज 2.5 नंबर मान लूँ क्या, ठीक है, मतलब देखो अगर ये सही हो गया तो आपको यहाँ से 2 नंबर मिलेंगे, 2 + 2.66 + 2 आपको 4.66, अगर ये सही होता है तो आपको मिलेगा 4.66 इन चारों क्वेश्चन में, और अगर ये गलत होता है, ठीक है, देन इन दैट केस आपको मिलेगा 2.16, तो मैं एवरेज यहाँ पे 3 नंबर मान सकता हूँ, क्या आप यहाँ पे 4.66 अगर सही हुआ तो, गलत हुआ तो 2.16, अगर मैं मिनिमम मानूँ तो 2 नंबर तो हर बच्चे को यहाँ पर आ ही रहा है, तो अब मैं कैलकुलेट करता हूँ फिजिक्स के अंदर में अभी तक हमने कितने क्वेश्चन देखे, फिजिक्स के अंदर में हमने 12 तो क्वेश्चन देख लिए 1 मार्कर के और 4 क्वेश्चन देख लिए 2 मार्कर के, तो 8 नंबर हो गए, तो हमने टोटल 20 नंबर में ट्रिक्स लगाया फिजिक्स के अंदर में, और हमने मार्क्स कितने अचीव किए देखना आप ध्यान से, पहले तो हमने 7 क्वेश्चन सही किए थे, है ना, उस 12 में से, और मतलब एवरेज हमने 6 नंबर वहाँ पे अचीव कर लिए थे ऑन एन एवरेज, अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब 12 में से अगर 7 सही करेंगे तो +7 और 5 गलत होंगे तो 1.25 माइनस हो जाएगा, तो डैट इज़ 5.75 अप्रॉक्सीमेटली 6 मान लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 2 नंबर मान लेता हूँ, तो 8 नंबर हमने अचीव कर लिए, तो हमने 20 नंबर में तुक्का लगाया और हमने 8 नंबर अचीव कर लिए, मतलब अचीव करके जो नेगेटिव हुए वो सब मिला मिलू के हमने 8 नंबर प्लस यहाँ पर बोनस अचीव किए, क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है, मतलब 20 नंबर में हमने ट्रिक्स लगा लिए उसमें से 8 नंबर हमने इंक्रीज कर लिए, दिस इज इंक्रीमेंट, ठीक है, सोचो 8 नंबर इंक्रीमेंट फिजिक्स में हुआ, उसी तरीके से केमिस्ट्री में हो जाए, मैथ्स में तो और ज़्यादा होगा क्योंकि मैथ्स तो 100 नंबर का होता है, ठीक है, तो ओवरऑल आपका जो है मेरा जो टारगेट है वो ये है कि आपको 40 नंबर के आसपास का इंक्रीमेंट अगर मैं आपको दिला दूं तो बहुत बढ़िया होता है, मिनिमम आपको मैं 30 नंबर का भी इंक्रीमेंट दिला दूं तो बहुत यहाँ पर बढ़िया होता है, क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, और ये यार थोड़ा बहुत लक की भी बात होती है, यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन सही हो जाएगा ना तो सीधा आपके 4.66 सही हो जाएंगे, और 4.66 प्लस 6, ठीक है, तो वो आपके 10 से ऊपर आपके हो जाएंगे 20 में से, अगर ये क्वेश्चन एक सही हो जाता है तो, सब कुछ डिपेंड करता है इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन सही होते ही आप 20 में से 10 प्लस नंबर ला रहे हो जो कि बहुत बढ़िया बात है, तुक्के लगा करके 50% से ऊपर नंबर ला रहे हो, ठीक है, और अगर आप ये भी मान लो, मतलब आप 8 नंबर भी मान लो तो भी अगर आप 20 में 8 ला रहे हो तो आप 200 में 80 ला रहे हो, 200 में 80 प्लस सिर्फ तुक्के लगा के तो बहुत बढ़िया बात है ना यार, ठीक है, तो ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बहुत आपके काम में आएंगे, आप बहुत अच्छा नंबर यहाँ पे जो है बढ़ा सकते हो, अगर आप 20 नंबर अचीव करके 8 प्लस नंबर ला रहे हो तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो है बात होती है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है, बट मैं इतने ही क्वेश्चन में रुकूंगा, अब मैं आगे केमिस्ट्री में जाऊंगा, फिर मैथमेटिक्स में जाऊंगा, उन सारी चीज़ों में भी आपको मैं ट्रिक्स दिखाऊंगा, 2018 का हम लोग यहाँ पर पेपर देख रहे हैं, 2 मार्कर क्वेश्चंस में इस तरीके से आपको जो है थोड़ा सा जो है लंबे ऑप्शन को मार्क करके निकल लेना है, और भी 2 मार्कर की बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है कोर्स के अंदर में, आप लोग कोर्स ज़रूर से लेना है, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है ना कि यार अभी तो कम टाइम बचा है तो ऐसा मत सोचो, आप कोर्स को 5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो और उससे जो वैल्यू लेकर के आप एग्जाम में जाओगे आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है, तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आएगी, आपने से कुछ सीखा होगा, अगर आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके, बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने में, जुड़ने के लिए बने रहिए यार।